दोस्तों, कभी कभी हम अपनी गलत धारणा के कारण और अपनी गलत सोच के कारण हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं जो हम हकीकत में हैं। आज इसी बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाथी सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवरों में से एक है, लेकिन वह एक छोटी और कमज़ोर रस्सी से बंधा रहता है। वह चाहे तो रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसे बचपन से ही उस पतली और कमजोर रस्सी में बांधा जाता है। उस समय वह हाथी का छोटा बच्चा बार बार कोशिश करता है, हर दिन कोशिश करता है कि वह रस्सी को तोड़ दे, वह रस्सी को तोड़ पाए, पर उस समय वह रस्सी को नहीं तोड़ पाता है और उसके मन में यह बात बैठ जाती है कि शायद वह रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा। और ऐसे ही कोशिश करते करते वह अचानक से एक दिन कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद यह रस्सी बहुत मजबूत है और हम इसे नहीं तोड़ सकते हैं। और फिर उस दिन से वह कोशिश करना छोड़ देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, वह हाथी का बच्चा और भी बड़ा और शक्तिशाली होते जाता है। अभी भी वह चाहे तो उस रस्सी को एक सेकंड में तोड़ सकता है, लेकिन वह नहीं ऐसा करता है, क्योंकि उसके मन में ऑलरेडी ये बैठ जाता है कि वह रस्सी उससे बहुत ज़्यादा मजबूत है और शायद इसी गलत धारणा की वजह से वह तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है। और इसी तरह वह एक पतली और कमजोर रस्सी का गुलाम बन जाता है। दोस्तों, हमारे साथ भी अक्सर यही होता है कि कभी कभी छोटी छोटी परेशानियां हमें इतना विचलित कर देती है कि हम मन में ये बैठा लेते हैं कि जब तक ये दुख और परेशानी हमारी जिंदगी से दूर नहीं जाती, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं। हम भूल जाते हैं कि परेशानियां सबकी जिंदगी में आती है और यह परेशानियां आती ही रहेगी, लेकिन हम भूल जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं और हमारी हालात भी धीरे धीरे उस हाथी के बच्चे की तरह हो जाती है और हम भी अपने परेशानियों का गुलाम बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त कि कभी भी कोशिश करना ना छोड़े, हमेशा कोशिश करते रहे, हालात और परेशानियों का कभी भी गुलाम मत बनो। धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ।